बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ तुर्कश अदना कबाब। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 1.5 kg मटन का कीमा लिया है, मोटा है, एक दफ़ा निकला हुआ। इसके अंदर 25% जो है वो फैट है। बाकी की जो चीज़ें इसमें जाएंगी, एक मैंने ये वाली सुरख मिर्च लेके काटी है। आपके पास बेल पेपर है सुरख रंग में वो ले लें, नहीं तो ये वाली 3-4 सब्ज़ मिर्चें जो सुरख होती हैं ये डाल लें, कलर उसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लेके काटा है, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 5 चौबे लहसुन के हैं, 1 कप सब्ज़ धनिया है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है। आप सुरख मिर्च कम डालना चाहें तो कम कर लें, और 1/2 टेबल स्पून ये मेरे पास सुमक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम मिक्स करेंगे कीमे के, और उसके बाद फूड प्रोसेसर में इसको बारीक करेंगे। शुरू करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो हम कीमे में डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं फूड प्रोसेसर में डाल के तो इसको पीसूंगी। देखें इसको इस तरह से करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये चीज़ें हमें इसके अंदर जो है वो नज़र आनी चाहिए कि अंदर क्या क्या हमने डाला हुआ है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरा बैच जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको भी कर लूँगी, फिर कबाब बनाने लगती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। इतना होना चाहिए इस तरह का कीमा जो है वो बनने के बाद ना, बस मुझे यही दिखाना था इसमें आपको। अब मैं करके आपको दिखाती हूँ। कबाब को मसाला अच्छे से लग गया था, मैंने उसको ग्राइंड करके तो फूड प्रोसेसर से निकाल के थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। उतनी देर में हम जो हैं वो इसका सैलड तैयार करेंगे। मैंने इसमें खीरे डाले हैं कलर के लिए, आप ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसमें सिर्फ टमाटर और प्याज होते हैं और बहुत सारे पार्सले होते हैं। मेरे पास पार्सले नहीं है तो मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर, लेमन जूस जाएगा, मेरे पास लेमन नहीं है, लाइम्स हैं तो मैं वही डाल रही हूँ। अब ये 1 टीस्पून इसमें सुमक जाएगा, 1/2 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक। हमारा कबाबों के साथ सर्व करने का सैलड तैयार है। ये मेरे पास पीटा ब्रेड पड़ी हुई है, इसको गर्म कर लेंगे, रेडीमेड है। अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। कीमा हमारा बिल्कुल जो है वो मैरिनेट होके तैयार हो गया है। अच्छा, ये वाले कबाब जो हैं वो चौड़ी वाली चपटी वाली सीखों पे बनते हैं, मेरे पास वो नहीं है तो मैं इन्हीं पे बनाती हूँ, और आज भी मैं इन्हीं पे बना रही हूँ। पानी का हाथ लगाएंगे अच्छा सा। मैं इनडोर ग्रिल पर बना रही हूँ, आप बाहर बनाना चाहें बाहर ग्रिल पर बना लें, तवे पे बनाना चाहें तवे पे बना लें, फ्राई पैन में बनाना चाहें फ्राई पैन में बना लें, जिस तरह से भी आप बनाना चाहें बना लें। ओवन में बेक करने हैं ओवन में बेक कर लें। ग्रिल भी मैं ऑन
कर दूंगी ताकि हीट अप हो जाए अच्छे से। आगे से इनको जो है वो जोड़ देंगे यूँ ताकि गिरे नहीं। अब मैं इनको रखने लगी हूँ ग्रिल के ऊपर, लेकिन मैं इससे पहले ऑयल का हाथ लगा दूंगी अच्छे से। ये मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ था। मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं बाकी के बना के भी साथ साथ जो है वो ग्रिल पे रखती जाऊंगी। इसी तरह से मैं सारी सीखें बना के तो ग्रिल के ऊपर रखूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। कबाब बनना शुरू हो गए हैं, बस मेरी आखिरी सीख रहती है, वो भी मैं इसके ऊपर बना के तो रखती हूँ। इनको चेक करेंगे, ये देखेंगे साइड थोड़ी हो गई है, इसको मैंने कर दिया है फ्लिप, ये भी हो गई है, बाकी अभी थोड़ी देर के बाद करूँगी। कबाब रेडी हो गए हैं, मैंने सीखों से इनको उतार दिया था, एक सीख से मैंने रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, उतारने के लिए कि कैसे उतारेंगे। तो अब मैं इनको निकालने लगी हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं, मैं उतार के लाई हूँ ग्रिल से। इसका आप ये ब्रेड के साथ रोल बना के खाना चाहें, पीटा ब्रेड के साथ वो खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। ये जो सीख पे लगा हुआ था वो भी मैं उतार के लेके आई हूँ। इसको यूं उतार के रखेंगे साथ। साथ हम सैलेड डालेंगे, हमारे टर्किश अदना कबाब रेडी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। टर्किश अदना कबाब रेडी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।